कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में पिछले एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक देश में आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात देश के लाखों दुकानदारों को खुशखबरी दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। उम्मीद की जा रही कि देश में आज से व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय का ये आदेश रमजान का महीना शुरू होने के मद्देनजर जारी किया गया है। सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक अभी दुकानें संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्क लगाना जरूरी है। आदेश में गृह सचिव अजय भल्ला ने स्पष्ट किया कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार नहीं खुलेंगे। यहाँ की दुकानें लॉकडाउन की तय तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी। इसके अलावा सिंगल और मल्टी ब्रांड मॉल्स भी नहीं खोले जाएंगे। यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों में संशोधन है, जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को छूट दी गई थी। कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत है। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 21 अप्रैल से सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए स्कूली पुस्तकों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी। इसके अलावा बिजली के पंखे बेचने वाली दुकानों को भी प्रतिबंधों की सूची से बाहर कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्ट्रियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर बच्चों की पढ़ाई पर ना पड़े, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया था।